एवरीवन, दिस इज़ अतिया ज़ैनब और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ फ्रेजल वर्ब्स पे। फ्रेजल वर्ब्स फॉर क्लास 9th एंड 10th ICSE स्टूडेंट्स एंड 11th एंड 12th ISC स्टूडेंट्स। फ्रेजल वर्ब्स पे मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, 5-6 तक मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें मैंने कई सारी फ्रेजल वर्ब्स को कवर किया था। फ्रेजल वर्ब्स किसे कहते हैं, कितने मार्क्स का आता है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कितना ज़्यादा इस पर आपको कमांड होना चाहिए, ये सब कुछ मैं उन वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं टाइम नहीं किल करूंगी, सीधे एक्सरसाइज को डिस्कस करूंगी। तो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल और फ्रेजल वर्ब्स के लिए पहली बार विजिट कर रहे हो आप, तो पार्ट 1-2 एटलीस्ट देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा। इसके अलावा अभी तक मैंने जो वीडियोस अपलोड करी हैं पार्ट 6 तक, उनमें मैंने क्लास 11th और 12th की बुक्स से एक्सरसाइजेस को डिस्कस किया है, जबकि इस वीडियो में मैंने क्लास 9th और 10th की बुक्स से एक्सरसाइजेस को कवर किया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 11th 12th स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल नहीं होगी, नॉट एट ऑल। बस फर्क लेवल का होता है बच्चों, 11th 12th 9th 10th सारे में फ्रेजल वर्ब्स पूछी जाती हैं आपसे, लेकिन फ़र्क होता है लेवल का। ओके, 9th में इजी लेवल, देन मॉडरेट लेवल, देन डिफिकल्ट लेवल, इस तरीके से लेवल बढ़ता जाता है। सो माई पॉइंट इज हियर, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द क्लासेस 9th, 10th, 11th एंड 12th। अब जो स्टूडेंट्स रेगुलरली मेरे को ज्वाइन करते रहते हैं, पार्ट 6 तक सारे वीडियोज़ को उन्होंने देख रखा है, उनसे मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप क्या करना बच्चा, इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना, हर एक्सरसाइज में चेक करना कि आपके खुद के कितने सही हो रहे हैं। ओके, तो अगर सही कम हो रहे हैं दैट मीन्स आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और सही हो रहे हैं ऑलमोस्ट दैट मीन्स आपने बहुत अच्छा कमांड कर लिया है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस नंबर 1, द प्रिंसिपल हैज़ ऑथॉरिटी - हिज स्टूडेंट्स, यानी प्रिंसिपल का कंट्रोल है स्टूडेंट्स के ऊपर। टू हैव ऑथॉरिटी - समवन यूज़ होता है ओवर, राइट? किसी पर अथॉरिटी होने का मतलब है किसी पर कंट्रोल होना, तो ये प्रिंसिपल का कंट्रोल होता है, सारे स्टूडेंट्स उसको ओबे करते हैं। ओके, मन हो चाहे ना हो, तो द प्रिंसिपल हैज़ ऑथॉरिटी ओवर, ओवर वर्ड का यूज़ किया जाता है। ऑन वगैरह का यूज़ आप नहीं कर सकते हो, तो ओवर वर्ड ही यूज़ करोगे। सेंटेंस नंबर 2, हिज लैक ऑफ जजमेंट रिजल्टेड - अवर फाइनेंशियल लॉस। सेंटेंस का मीनिंग ये निकल रहा है कि उसके लैक ऑफ जजमेंट की वजह से हमें फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो किसी की वजह से कुछ होने के लिए यूज़ किया जाता है रिजल्ट इन, सही आंसर होगा रिजल्टेड इन। तो टू रिजल्ट इन का मीनिंग आप लिख सकते हो टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी वजह से कुछ होना, उसके लिए यूज़ किया जाता है रिजल्ट इन। सेंटेंस नंबर 3, ओवर वर्क विल टेल - हर हेल्थ, यहाँ पे सही आंसर होगा टेल ऑन हर हेल्थ। अब ये टेल ऑन का क्या मीनिंग निकल रहा है, वैसे टेल का मीनिंग क्या होता है, बताना, लेकिन कितना अलग मीनिंग हो जाता है फ्रेजल वर्ब में जब उसके आगे कोई प्रेपोजिशन ऐड हो जाती है। टेल ऑन का मतलब होता है टू हैव अ नोटिसेबल इफेक्ट ऑन समवन और समथिंग, यानी किसी चीज़ पर या किसी इंसान पर नोटिसेबल इफेक्ट होना, यानी ऐसा कुछ असर होना जो दूसरों को दिखाई पड़े। ओके, तो यहाँ कहा जा रहा है ओवरवर्क, ओवरवर्क मतलब होता है ज़्यादा काम करना, यानी ज़्यादा काम करने से उसके हेल्थ पर असर पड़ेगा, हेल्थ उसकी बेकार हो जाएगी, ये साफ साफ दिखाई देगा। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। द नेक्स्ट सेंटेंस हियर इज द मैनेजर हैज़ टू अकाउंट - द लॉस। सही वर्ड यहाँ पर होगा फॉर, अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू गिव एक्सप्लेनेशन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन देना। ओके, सो द मैनेजर हैज़ टू अकाउंट फॉर, दैट मीन्स द मैनेजर हैज़ टू एक्सप्लेन कि इतना लॉस क्यों हुआ, इसका उसको एक्सप्लेनेशन देना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस हियर इज द शिप अपीयर - द होराइजन। होराइजन कहते हैं वो लाइन जहाँ पर अर्थ और स्काई मिलते हुए महसूस होते हैं, मीट करते हुए महसूस होते हैं। एक्चुअली अर्थ एंड स्काई नहीं मीट हो सकते, लेकिन वो लाइन जहाँ पे हमें देख के लगता है कि अर्थ और स्काई एक हो रहे हैं। ओके, उसको लाइन को बोलते हैं होराइजन। तो अब ये जो होराइजन वर्ड है, होराइजन वर्ड के साथ दो तरीके से आपके सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, एक अपीयर - होराइजन, एक डिसअपीयर - होराइजन। अपीयर के साथ आता है ऑन, ओके, और डिसअपीयर के साथ आता है ओवर। मेक अ नोट ऑफ दीज टू पॉइंट्स, अपीयर ऑन द होराइजन एंड डिसअपीयर ओवर द होराइजन। यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग ये है कि शिप जो है वो होराइजन पर अपीयर हुआ, दिखाई पड़ा, और डिसअपीयर हुआ तो फिर आप क्या करोगे, ओवर लगाओगे। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, इसमें जो अपीयर ऑन आया है ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है। मैंने ऐसे क्यों बोला कि ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं, फ्रेजल वर्ब का मतलब है कि जब किसी एक्शन वर्ड में यानी वर्ब में आप कोई प्रेपोजिशन जोड़ देते हो तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है उसके ओरिजिनल मीनिंग से। जैसे टेक मतलब होता है लेना, लेकिन टेक ऑफ का मतलब होता है टू से गुड बाय, टू लीव द
स्पेस राइट, तो टेक ऑफ का मतलब कितना अलग हो गया। ओके तो यहाँ पर अपेयर का जो मतलब होता है एग्जैक्टली मालूम पड़ना, दिखाई पड़ना, वो वही रिमेन है, यानी कि मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। तो ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपसे एक प्रेपोजिशन यूज़ करने को बोला गया है। इसीलिए मैंने समझा रखा है पिछले के कई सारे वीडियोज़ में कि हर चीज़ आपसे फ्रेजल वर्ब भी नहीं पूछी जाती, कभी कभी एक सुटेबल प्रेपोजिशन भी आपका आ सकता है। Moving to the next sentence, which is the police broke dash the demonstration. Demonstration कहते हैं protest को, public protest को। सही answer होगा आपका up, broke up. Breakup का कई सारे meanings होते हैं, एक तो सभी को पता होता है, बच्चे बच्चे को पता है, breakup किसी के बीच हो जाता है, यानी उसके बीच जो relationship है, जो romantic relationship है वो end हो गया है, तो वो breakup होता है एक। और किसी you know एग्रीमेंट को भी अगर आप ख़त्म करते हो तो उसके लिए भी आप ब्रेकअप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरा जो ब्रेकअप होता है वो समझिएगा, जिसका मीनिंग यहाँ पर आ रहा है। ब्रेकअप का मतलब यहाँ पर है टू मेक समवन स्टॉप यूजिंग समथिंग, किसी को कुछ यूज़ करते करते रुकवा देना या ख़त्म करवा देना, राइट। तो पुलिस ने डेमोन्स्ट्रेशन को यानी प्रोटेस्ट को क्या किया, ख़त्म कराया, राइट। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, द मैच हैज़ बीन कॉल्ड डैश, सही आंसर होगा ऑफ, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल, यानी मैच को कैंसिल कर दिया गया है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। ओ एफ किसी भी फ्रेजल वर्ब के साथ जनरली नहीं आता है, ओके। आपको फ्रेजल वर्ब में ओ डबल एफ ऑफ ही ज़्यादातर मिलता है। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज़ इंटरेस्टिंग, फर्स्ट द रूफ गेव डैश एंड देन द वॉल्स। कई बार स्टूडेंट्स को ये सेंटेंस समझ में नहीं आता पढ़कर कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। एक्चुअली यहाँ बात हो रही है पहले रूफ छत गिरी, उसके बाद वॉल्स गिरी, गिरने की बात हो रही है, टूटने की बात हो रही है, राइट। सो यहाँ पर सही फ्रेजल वर्ब होगा गेव वे, डब्ल्यू ए वाई वे, यस वे, वे मीन्स रास्ता, या फिर आप लिख सकते हो इन, राइट। सो गिव वे या गिव इन, इनका मतलब होता है फॉल डाउन ड्यू टू सम प्रेशर, यानी प्रेशर की वजह से जब कोई चीज़ गिर जाती है, कोई दीवार या कोई छत, उसके लिए यूज़ किया जाता है गिव वे या गिव इन। सो यू कैन गो आइदर ऑफ दीज। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, सेंटेंस नंबर वन हियर इज शी हैज़ टू आंसर डैश हर एब्सेंस। तो यहाँ पे आंसर होगा फॉर, शी हैज़ टू आंसर फॉर हर एब्सेंस। आंसर फॉर क्यों होगा, आंसर फॉर समथिंग यूज़ किया जाता है whenever we want to say to take responsibility for something या फिर to be punished for something। तो इस सेंटेंस का दो मीनिंग निकल सकते हैं, चाहे वो पनिश के नज़र से आप देख लो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की नज़र से देख लो, दोनों मीनिंग्स आपके सही हैं, लेकिन आंसर आपका फॉर ही होगा। ओके, शी हैज़ टू आंसर फॉर हर एब्सेंस का मतलब ये भी हो सकता है कि शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर एब्सेंस, शी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सेंस, ओके, यानी शी हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड सेकेंडली ये हो सकता है कि शी मस्ट बी पनिश्ड एज शी इज़ एब्सेंट। ओके, सो इन बोथ द केसेस द आंसर इज फॉर। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, योर रिक्वेस्ट इज डैश कंसिडरेशन। यहाँ पे कोई फ्रेजल वर्ब कवर नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो, यही होता है 9th क्लास और 10th क्लास के बुक्स में। ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं आपकी रिपीटेडली पढ़ी हुई चीज़ें होती हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा कि आपकी रिक्वेस्ट कंसिडरेशन में है के लिए अंडर यूज़ करते हैं, ओके, तो अंडर कंसिडरेशन विल बी द आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस हियर इज द एरोप्लेन फ्लू डैश द क्लाउड, से भी बहुत ही रिपीटेडली यूज प्रपोजिशन है और सेंटेंस बार बार पूछा जाता है, ये तो आप क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ते हुए आते हो, एरोप्लेन और क्लाउड्स के बीच में क्या आता है, तो ओवर आता है, राइट। कुछ और नहीं लगा सकते हो, इन द क्लाउड्स, अबव द क्लाउड्स, कुछ नहीं आता है सिवाय ओवर के। ओवर इज द सुटेबल वर्ड हियर, अगेन ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, सिर्फ आपसे एक सुटेबल वर्ड यानी प्रपोजिशन पूछा गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, द पुलिस रिजॉर्टेड टू लाठी चार्ज डैश एक्सट्रीम प्रोवोकेशन। तो सही आंसर होगा अंडर एक्सट्रीम प्रोवोकेशन। देखिए ये दो वर्ड्स अच्छे से समझिएगा, रिजॉर्टेड का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो दूसरों को नागवार गुजर रहा है, लेकिन आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, यानी जब कोई चॉइस नहीं रह जाती है, हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो दूसरों को नहीं अच्छा लग रहा है, उसे कहते हैं रिजॉर्टेड टू। ओके, जैसे पुलिस लाठीचार्ज सब करती है जब उसके पास कोई चॉइस नहीं रह जाती है। ओके, तो रिजॉर्टेड टू का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। प्रोवोकेशन का मतलब क्या होता है, प्रोवोकेशन कहते हैं कुछ ऐसा करना जिससे सामने वाला भड़क जाए। ओके, जैसे कि बच्चे मम्मा को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं कि मम्मा को क्या करना पड़ता है, मारना पड़ता है, लेकिन नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए किसी भी सिचुएशन में, तो उसे कहते हैं प्रोवोकेशन। ऐसे ही यू नो जनता करती है, जब प्रोटेस्ट करती है, सरकार मना कर रही है, पुलिस वाले कुछ मना कर रहे हैं, तब भी वही हरकत कर रही है। सभी कोरोना काल में बहुत सारे लोग को पिटा गया था क्योंकि मना किया जा रहा था बाहर निकलने से, लेकिन तब भी सब लोग निकल रहे थे। ओके, इसी को कहते हैं प्रोवोकेशन, जानबूझ के कुछ ऐसा करना कि सामने वाला
मामला भड़क जाए। तो यहाँ पर सेंटेंस है कि पुलिस ने लाठीचार्ज रिजॉर्ट किया, यानी कि मजबूरन उसको ये करना पड़ा अंडर एक्सट्रीम प्रोवोकेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, द गोडाउन इज इन्फेस्टेड डैश रैट्स। इन्फेस्टेड का यूज होता है कीड़े मकोड़े जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, कोई इंसेक्ट कोई एनिमल्स को जो अनप्लेजेंट होते हैं, दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं, कई सारे चूहे इकट्ठा हो गए नाच की वजह से, इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इन्फेस्टेड विद। ओके, इन्फेस्टेड विद एंट्स, इन्फेस्टेड विद इंसेक्ट्स, तो यहाँ पे सही आंसर होगा विद। द नेक्स्ट सेंटेंस हियर इज शी जम्प्ड डैश द फर्स्ट जॉब ऑफर। सही आंसर होगा इनटू, शी जम्प्ड इनटू द फर्स्ट जॉब ऑफर। टू जम्प इनटू समथिंग, ये फ्रेजल वर्ब होती है। जंप मतलब वैसे तो कूदना होता है, लेकिन टू जंप इनटू समथिंग का मतलब होता है टू सडनली डिसाइड टू डू समथिंग, अचानक किसी चीज़ को करने के लिए डिसीजन लेना। तो यहाँ सेंटेंस का मीनिंग है शी जंप इनटू द फर्स्ट जॉब ऑफर, दैट मीन्स शी सडनली डिसाइडेड टू डू द फर्स्ट जॉब ऑफर। तो टू डिसाइड टू डू इज हिडन इन जंप इनटू, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, द पुलिस डिसेंडेड डैश द डेन ऑफ पिक पॉकेट्स। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो डेन थी पिक पॉकेट्स की, जो जेब कतरे होते हैं उनकी एक डेन थी, उसमें पुलिस नीचे उतरी यानी उस डेन की तरफ गई। तो डिसेंडेड के साथ यूज़ होता है टू शब्द का, तो ये भी एक फ्रेजल वर्ब नहीं है। यहाँ पर आपको सूटेबल वर्ड यानी प्रीपोजिशन पूछा है, तो डिसेंडेड टू द डेन होगा। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही डिसलाइक्ड बींग एक्सक्लूडेड डैश द फुटबॉल टीम। ये भी कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है। टीम से बाहर निकलने के लिए आप एक्सक्लूड के साथ फ्रॉम शब्द का इस्तेमाल करते हो। ओके, यहाँ पे आंसर होगा एक्सक्लूडेड फ्रॉम। इफ़ यू ऑब्जर्व द एक्सरसाइज केयरफुली यू विल नोटिस दैट इस एक्सरसाइज में बहुत कम फ्रेजल वर्ब्स हैं और ज़्यादातर आपसे सूटेबल वर्ड ही पूछा गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट सेंटेंस हियर इज आवर लोकल मार्केट वॉज बर्नड डैश। तो यहाँ पे आएगा डाउन, बर्न डाउन मतलब कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग से जलकर राख हो जाने के सेंस में यूज़ किया जाता है बर्न डाउन, फाइन। द नेक्स्ट सेंटेंस हियर इज ही हैज एम्बार्क्ड डैश अ न्यू बिजनेस। सही आंसर होगा एम्बार्क्ड ऑन अ न्यू बिजनेस। टू एम्बार्क ऑन समथिंग मतलब होता है टू टेक अ स्टार्ट ऑफ समथिंग दैट विल गो फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कोई ऐसी चीज़ की शुरुआत करना जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। तो किसी भी नए करियर की शुरुआत होती है तो काफ़ी टाइम तक चलकर आपको उसमें सक्सेस मिलती है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एम्बार्क ऑन। एम्बार्क ऑन एक तरीके से और पूछा जाता है टू स्टार्ट अ जर्नी ऑफ समवेयर। ओके, तो जर्नी स्टार्ट करने के लिए भी एम्बार्क ऑन का यूज़ किया जाता है। मूविंग टू सेंटेंस नंबर थ्री, डू नॉट क्वारल विद योर फ्रेंड डैश अ ट्राइफल। ट्राइफल कहते हैं अनइम्पॉर्टेंट मैटर को, कोई ऐसा मैटर, कोई ऐसी बात जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ना हो। ओके, स्मॉल मैटर्स वी कैन से पेटी मैटर्स। सो छोटी छोटी बातों पे लड़ने की इंग्लिश होती है, इसको इडियम के तरीके से भी यूज़ किया जाता है, टू क्वारल ओवर ट्राइफल। ओवर का यूज़ करेंगे आप, ऑन शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही प्लेस्ड अ ब्लैंकेट डैश हर बॉडी। बॉडी पर ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए डालने के लिए यूज़ किया जाता है ओवर, और हमेशा ओवर ही यूज़ होता है, कभी आप ऑन शब्द का इस्तेमाल मत करिएगा। तो सही आंसर होगा ब्लैंकेट ओवर हर बॉडी। सेंटेंस नंबर फिफ्थ, यू कैन पार्क योर कार डैश साइड ऑफ द रोड। यहाँ पे यूज़ होगा ऑन, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। आइदर साइड का मतलब होता है किसी भी तरफ, राइट। ऑन शब्द का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज आई सी डिफरेंस बिटवीन दीज टू पेंटिंग्स। बिटवीन आंसर होना चाहिए यहाँ पे, दो चीज़ों के लिए बिटवीन का यूज़ होता है और मोर देन टू के लिए अमंग का यूज़ होता है। दिस इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इजी, नेक्स्ट मंथ वी आर मूविंग डैश आर न्यू फ्लैट। मूव के साथ टू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मूविंग टू आर न्यू फ्लैट। फॉर नहीं आएगा, कुछ और नहीं आएगा, मूविंग टू न्यू फ्लैट। नेक्स्ट सेंटेंस इज इंडिया कॉन्डेम्ड द बॉम्बिंग एज अ क्राइम डैश ह्यूमैनिटी। सही आंसर होगा अगेंस्ट, हो ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम है, तो यहाँ पे अगेंस्ट शब्द का इस्तेमाल होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, ही वर्क्स डैश प्रेशर इन द स्कूल। आपको पढ़ते ही दिमाग में आ गया होगा उसका आंसर, अंडर प्रेशर। बहुत सारे लोग बोलने में यूज़ करते हैं, कई जगह आपने पढ़ा भी हुआ होगा। तो अगेन दिस इज नॉट अ फ्रेजल वर्ब, सुटेबल वर्ड इज आस्क्ड हियर। सेंटेंस नंबर टू, वी हैव नॉट येट डिसाइडेड डैश द डेट ऑफ मीटिंग। यहाँ पे आएगा अबाउट, डिसाइडेड अबाउट द डेट ऑफ मीटिंग। अगैन दिस इज नॉट अ फ्रेजल वर्ड। नेक्स्ट इज अ माइजर हेट्स पार्टिंग डैश हिज मनी। तो यहाँ पर बहुत देर बाद फ्रेजल वर्ब आया है जो कि है पार्ट विद। पार्ट विद का मतलब होता है टू गिव अप कंट्रोल, कंट्रोल दे देना यानी अलग कर देना। तो जो कंजूस होता है, माइजर कहते हैं कंजूस को, एक कंजूस कभी नहीं पसंद करता इस चीज़ को, नफरत करता है इस चीज़ से कि वो मनी पर अपना अधिकार क्या करे, गिव अप कर दे। तो टू गिव अप कंट्रोल इज द मीनिंग ऑफ टू पार्ट विद समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज राजत्स ऑनेस्टी इज डैश सस्पिशन। तो बियॉन्ड सस्पिशन,
किसी की ईमानदारी के लिए अगर हमें बात कर रही है कि उसकी ईमानदारी पे कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकता, सबको पता है वो कितना ऑनेस्ट है, उसके लिए यूज़ किया जाता है बियॉन्ड सस्पेशन। फाइन, आप अंडर सस्पेशन भी लगा सकते हो। अंडर सस्पेशन का मतलब हो गया कि उसकी ईमानदारी खतरे में है, यानी उसकी ईमानदारी पे शक हो रहा है, एंड वी डू नॉट नो कि यहाँ पे उसके शक हो रहा है या उसके यू नो ऑनेस्टी की तारीफ हो रही है, क्या हो रहा है, वी डोंट नो। तो प्रिफर आप ये क्या करो कि पॉजिटिव आंसर दिया करो, राइट? तो ऑनेस्टी है तो इसलिए आप बियॉन्ड सस्पेशन लिखिएगा, दैट विल बी करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, द चेयरमैन हैज़ कॉन्सेंटेड टू प्रिसाइड डैश द फंक्शन। सही आंसर होगा प्रिसाइड ओवर द फंक्शन। तो प्रिसाइड ओवर का मतलब होता है टू बी इन चार्ज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को अपने चार्ज में लेना, एंड कॉन्सेंटेड का मतलब होता है मर्जी देना, यानी चेयरमैन ने इस चीज़ को मर्जी दे दी है कि वो फंक्शन को क्या करेंगे, प्रिसाइड करेंगे, यानी उसके इंचार्ज होंगे। सेंटेंस नंबर 6, आर रिक्वेस्ट फॉर अ पिकनिक वॉज टर्न डैश। सही आंसर होगा टर्न डाउन, दिस इज अगेन अ फ्रेजल वर्ब। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट, यानी पिकनिक के लिए जो हमारी रिक्वेस्ट थी उसको क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था, टर्न डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर न्यू हाउस इज डैश कंस्ट्रक्शन, दिस इज नॉट अ फ्रेजल वर्ब। यहाँ पे आएगा अंडर कंस्ट्रक्शन, सभी को पता होगा बिकॉज आप ये सुनते रहते हो। नेक्स्ट सेंटेंस इज आर फैमिली हैव वेंचर डैश द न्यू बिजनेस, इसका आंसर होगा इनटू, या फिर आप ऑन भी लिख सकते हो। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स होती है, लेकिन अगर ऐसा बिजनेस है जिसमें कुछ रिस्क है, अगर आप रिस्क वाले बिजनेस को पॉइंट आउट करके कहना चाह रहे हो, तो वहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है टू वेंचर इनटू और टू वेंचर ऑन। ओके, तो हमारी फैमिली ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, हम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं एक ऐसा बिजनेस जिसमें रिस्क हो सकता है, ऐसे तो सारे बिजनेस में रिस्क होता है। तो वेंचर इनटू का मतलब होता है टू डू समथिंग विच इन्वॉल्व्स रिस्क। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, द मंकी जंप्ड डैश द कंपाउंड वॉल एंड एस्केप्ड। तो वॉल पे कूदने के लिए आप ऑन नहीं यूज़ करोगे, ओवर शब्द का इस्तेमाल करोगे, तो सही आंसर होगा जंप्ड ओवर द कंपाउंड वॉल। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, द बसेस वर हेल्ड डैश बाय द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। यहाँ पे सही आंसर होगा अप, हेल्ड अप। टू होल्ड अप समथिंग का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग, तो स्ट्राइकिंग वर्कर्स ने बसेस को रोक दिया था, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी हेल्ड अप। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, द ओल्ड मैन मेड डैश ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हिज एल्डर सन। सही आंसर होगा ओवर, टू मेक ओवर समथिंग, दैट मीन्स टू ट्रांसफर समथिंग। टू मेक ओवर हैज़ टू मीनिंग्स एज अ फ्रेजल वर्ब, फर्स्ट इज टू ट्रांसफर एंड द सेकेंड इज टू ट्रांसफॉर्म। ही मेड ओवर हिज रूम, दैट मीन्स ही मेड सम चेंजेस इन हिज रूम, दैट मीन्स ही चेंज द रूम। तो यहाँ पर मेक ओवर के दो मीनिंग्स होते हैं, याद रखिएगा, एक ट्रांसफॉर्म कर देना और दूसरा क्या होता है, ट्रांसफर कर देना। प्रॉपर्टी शब्द से आपसे कई बार सेंटेंसेस पूछा जाएगा, याद रखिएगा मेक ओवर। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वॉज वॉर्न डैश गोइंग आउट एट नाइट, दिस अगैन इज नॉट अ फ्रेजल वर्ब, वी विल यूज योर अगेंस्ट। तो किसी के खिलाफ जो वार्निंग दी जाती है उसके लिए यूज किया जाता है अगेंस्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, द स्कूल इज नेम्ड डैश इट्स फाउंडर। इसका मीनिंग ये है कि स्कूल का नाम उसके फाउंडर के ऊपर रखा गया है, यानी स्कूल का जो भी नाम रखा गया है वही फाउंडर का भी नाम है। इसके लिए यूज़ होता है आफ्टर, नेम आफ्टर समबडी, इसका मतलब उसी का नाम आपने अगर रख लिया तो यू आर नेमिंग आफ्टर सम पर्सन। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, चार्जेस ऑफ करप्शन वर लेवल्ड डैश द ऑफिशियल। तो वही चीज़, जैसे किसी के खिलाफ वार्निंग दी जाती है तो अगेंस्ट का यूज़ किया जाता है, वैसे ही किसी के खिलाफ चार्ज लगाया जाता है कोई, तब भी अगेंस्ट का ही यूज़ होता है। तो यहाँ भी आंसर होगा लेवल अगेंस्ट द ऑफिशियल। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द स्टूडेंट्स प्रेफर द न्यू सिलेबस डैश द ओल्ड। जो प्रेफर वर्ड होता है इसके साथ प्रपोजिशन TO2 शब्द का यूज़ किया जाता है, दैन आप नहीं यूज़ करोगे, राइट? बहुत से बच्चे प्रेफर के साथ दैन का यूज़ करते हैं जो कि गलत होता है, प्रेफर के साथ यूज़ किया जाता है टू का। और प्रेफर अगर मीनिंग नहीं पता हो आपको तो लेट मी टेल यू, प्रेफर का मतलब होता है व्हेन वी टॉक अबाउट टू चॉइसेस एंड वी सेलेक्ट वन आउट ऑफ दोस टू, दो में से किसी एक चीज़ को जब हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं उसे कहते हैं प्रेफर। तो यहाँ जो सेंटेंस है वो कहा जा रहा है कि स्टूडेंट जो है वो न्यू सिलेबस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बजाय ओल्ड के। ओके, तो इसके लिए यूज़ होता है टू। मूविंग टू द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो, इट इज़ नॉट ईजी टू पार्ट डैश योर पेरेंट्स। सही आंसर होगा पार्ट ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से अलग होने के लिए यूज़ किया जाता है OFF। ओके, और ऐसे OFF का मीनिंग होता है फ्रॉम, राइट? सो इट इज़ नॉट ईजी टू पार्ट ऑफ योर पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स से अलग होना आसान बात नहीं है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब फॉर मोर सच लेसन्स, बी काइंड टू अदर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।